माझा कोण साहेब आहे? तुम्हीच नाही? कृष्णा येवे बिलकर. इनके यहाँ पर कुणाला दिसलं साहेब? म्हणजे इथं इथंच बसलेलं दिसलं तुम्हाला, इथं बसलेलं दिसलं. तो इस तरह से देख सकते कैसे कहाँ कहाँ पर आके साहब बैठ जाते हैं. जैसे कि ला के किसी ने रखा हुआ है, इस तरह से आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है. और काफ़ी सारी भीड़ जमी हुई है. राजहंसगढ़ गांव जो मेरे गांव से तकरीबन 7 किलोमीटर दूरी पर है, और राजहंसगढ़ जो किला है यहाँ पर बहुत ही फेमस माना जाता है. इस गाँव में साफ है, काफ़ी बच्चे वगैरह छुट्टी है तो काफ़ी लोग है. जरा वर्ती है हजार बगीला तो बरबिल हुआ. मुझे तुम्हारा काय कलता है पोजीशन सलाह दे भाई. चला चला भाई सलाह दे. मतलब बैग जरा घर बैग है. किसका बैग है रे? ए चला दे मेरे ना के जाए नहीं ना का कि वो रहने जा पुराना घर था. जैसे कि मुझे लग रहा था कि फूल वगैरह है, लेकिन कहाँ कहाँ पर आके बैठ सकते, तो ये जीव जो है कहीं पर भी आके बैठ सकता है. इसलिए हर जगह आपको संभल कर रहना चाहिए, संभल कर काम करना चाहिए. खासकर किसान है, मजदूर है, तो वहाँ पर सामान वगैरह पड़ा है, लकड़ी है, घास है, चूहे है, बोल वहाँ पर. खासकर पुराना घर में है तो साफ ज़्यादा होने की संभावना रहती है. अभी भी मुझे वहाँ पर कोई बोल वगैरह है तो नहीं, ऐसा मुझे डाउट हो रहा था. तो इस तरह से साफ कहीं पर भी आठ सबके बैठ सकते हैं, और कितने मिनट में भी जा सकते हैं. सांपों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता. और इस तरह उसका डर जाते हैं जो हम बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका लिमिट रहता है. हमने कुछ किया तो वो करते हैं. और ये बात इसलिए दोहराते कि आपको डरना नहीं चाहिए. ये डर इस तरह से बना हुआ है कि जहाँ पर हमें लोग फोन करते हैं बात भी नहीं कर पाते कि सांप वगैरह है वगैरह, क्योंकि उनको डर लगता है. एक तो सांप हमें आके काटेगा या दिखाई दिया तो भाग जाएगा, ये भी रहता है. फन में थोड़ा सा उसके ऊपर जो निशान रहता है, किस तरह से नज़दीक से लीजिए सर थोड़ा. कुछ हफ्ते पहले हमने एक ऐसा वीडियो बनाया था, तो पीछे से देखेंगे तो ये फोन में गोले दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल यू जैसे एंगल का इसके ऊपर निशान दिखाई दे रहा है. पीछे से थोड़ा लीजिए तो अच्छा रहेगा. ये देखिए, तो ये भी फर्क रहता है. और खासकर सांप नाग है तो ये बहुत आकर्षित दिखता है, और उसमें भी डिजाइन में कुछ बदलाव है तो इस तरह से सुंदर दिखाई देते हैं. बहुत ही शांत दिखने वाला है सांप. अगर उसको गुस्सा आया तो इस तरह से फन निकलता है. लोगों को दिखने में अच्छा लगता है, सांप के प्रति आदर होता है, और आदर होने के बावजूद डर भी बहुत रहता है. इसलिए लोग सांप को मारते हैं. सांप से काटने की मरने की संभावना रहती है, और इसलिए संभल कर रहना जरूरी है, लेकिन जानबूझ कर नहीं करते. यही सांप तकरीबन 4 साल की उम्र का है. आस पड़ोस में ये देखिए, अब मैं गली में हूँ, वहाँ पर ये जगह जो है बाजू में खेती बड़ी दूर से है, लेकिन ऐसे इस तरह से सांप आने की काफ़ी संभावना रहती है. संभल कर रहना, अपना हाथ पाँव पढ़ना नहीं चाहिए. बच्चे हैं तो उनका ख्याल रखना चाहिए, हमारे हाथ में है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते. लोग बोलते हैं यार आप डरते कि नहीं, डरते हैं नहीं, डरना चाहिए, संभल कर करना चाहिए. और हर चीज़ सांप ऐसा नहीं है, लोग बोलते सांप से डरते इसलिए सांप को मारते हैं. तो आपको सांप बचाना है मतलब आपकी जान गंवाना, ऐसा नहीं है. तो बहुत सारे हादसे भी होते रहते हैं, इसका भी हमें ख्याल है, लेकिन अपनी गलती से सांप हमें काटे हमारी जान जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. सांपों का बचाने का सफर जारी है, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए. इस तरह की जानकारी सांप हम बचाते हैं, आपको उसकी जानकारी देते हैं ताकि डर दूर हो. डर दूर करने का ये सफर है, मिशन है, आपके बिना अधूरा है. तो विनती करता हूँ आप पहली बार वीडियो देखेंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, अपने लोगों में फैलाइए ताकि इस तरह की साफ जानकारी उनको पहुँचे और डर दूर किया जा सके. वहाँ पर उसके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो हम वीडियो डालते हैं वो जल्द ही आपके पास पहुँचे. इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए. धन्यवाद.